चाहे मेरे करने का होगा उसका मैं जवाब दूंगा। डेवलपमेंट के मामले में हमने उसको तेज किया और यूटिलाइज करने का पूरा प्रयास किया। 8000 करोड़ रुपए उसमें बहुत बड़े पैमाने पे काम शुरू हो गया। सरपंच को 65000 से और 1.25 करोड़ तक के सॉल्व करने का भी नहीं है, चाहे वो 35A हो या 370 हो, क्या सिस्टम को करीब करीब खड़ा कर दिया है और इसी में से नई लीडरशिप भी निकलेगी। अब जिस स्टेट जहां 10-10, 15-15 साल इसी में से लोग निकलेंगे और ये एक अच्छी चीज हुई है। मैं इसके लिए यहाँ में जाके सब एक दूसरे पे स्टे लाए हैं। आज की तारीख पे अलग अलग विभागों में एग्जैक्ट डिटेल नहीं मालूम, बट जो आज इन द स्टेट यू एक्चुअली फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट नंबर ऑफ पोस्ट क्रिएटेड इन हेल्थ। जम्मू के लोगों की काफी देर से डिमांड रही है बाहू फोर्ट टेम्पल है जिसको श्राइन बोर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि तो तुरंत ये पीडब्ल्यूडी शायद एक आध महीने में सारे। तेजिंदर सिंह सोढ़ी है, रिपब्लिक टीवी को रिप्रेजेंट करता हूँ जम्मू में। आई ऑल्सो एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम to all our friends from the media and the press fraternity for this meet today. Without wasting much time and moving forward, I would request the Honorable Governor, who would be making initially his initial remarks and his address, and after the address we'll have a question and answer session. Press ke sabhi logon ko pranam karta hu aur शुरू में एक निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर में जो बहुत अच्छी चीजें होती हैं उनका कोई मेंशन नहीं होता है। कश्मीर में एक जरा सी भी कोई गड़बड़ हो जाए और वो भी सही परिप्रेक्ष्य में नहीं, उसको गलत तरीके से रख के कश्मीर को डेमोनाइज किया जाता है, कश्मीर को एक खराब जगह दिखाई जाती है। तो मैं आप सबों की मदद चाहता हूं, क्योंकि और मैं सेफली कह सकता हूं मैं बिहार में गवर्नर रहा हूं, यूपी में पैदा हुआ हूं, पला बढ़ा हूं, उन सब जगहों के मुकाबले मैंने जम्मू कश्मीर को बहुत मानों में बहुत बेहतर पाया। तो हमारी जिम्मेवारी कम से कम इतनी जरूर है कि जो सच है वो हम बाहर भेजें और कोशिश करें कि दुनिया में वो सच पहुंचे। मिसाल के तौर पे पंचायत के और म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव हुए, मेरी निगाह में वो कामयाब चुनाव है, लेकिन उनका कोई मेंशन नेशनल प्रेस में नहीं है। चुनाव के दौरान अगर एक चिड़िया की भी कैजुअल्टी हो जाती तो वो हेडलाइन बनती, लेकिन इसका जिक्र नहीं। तो मैं इस प्रार्थना के साथ कि आप इस काम में हमारी मदद करेंगे, जो पिछले दिनों में काम हुए हैं उनके बारे में एक बुकलेट आप सबों को हमने पहुंचा दी है, क्योंकि काम इतने हुए हैं जो कई कई साल चुनी हुई सरकारें करती हैं उतने हमने करने की कोशिश की है, उनको आप डिटेल में देख सकते हैं। देख के जो आपको सवाल करने हो, सब सलाहकार साहिबान, सेक्रेटरी साहिबान यहां हैं, और जो मेरे लेवल का है, मेरे करने का होगा उसका मैं जवाब दूंगा। बहुत कम वक्त में मैं बताना चाहता हूं कि डेवलपमेंट के मामले में हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन बनाया, जो प्राइम मिनिस्टर का फंड यूटिलाइज नहीं हुआ था या जहां काम चल रहे थे उसको तेज किया और यूटिलाइज करने का पूरा प्रयास किया। 8000 करोड़ रुपया हम उठा रहे हैं, जितने भी अधूरे प्रोजेक्ट हैं पूरे प्रदेश में, यहां तक के जो पहली सरकारों के भी वायदे हैं उनको भी हम पूरा करेंगे, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे काम शुरू हो गया। पंचायतों को एम्पावर किया गया है, पंचायतों को ढाई हजार करोड़ पंचायतों को, म्युनिसिपैलिटीज को 1500 करोड़ रुपया मिलेगा, किसी किसी सरपंच को 65000 से और 1.25 करोड़ तक रुपया मिलेगा। और यही हमारा आर्ग्यूमेंट था कि ये इलेक्शन दिल्ली के लिए नहीं है, ये इलेक्शन जो आप जिनको इश्यूज बता रहे हैं उनके सॉल्व करने का भी नहीं है, चाहे वो 35A हो या 370 हो, और ना हमारे लिए है, ये एम्पावरमेंट का है। आपको ताकत मिलेगी, आपको डेवलपमेंट के लिए रुपया मिलेगा, आपके लोग आपके पास आएंगे, आपका
लोगों से राबता बढ़ेगा तो उसको हमने एक तरह से पंचायत सिस्टम को करीब करीब खड़ा कर दिया है और इसी में से नई लीडरशिप भी निकलेगी। अब जिस स्टेट जहां 10-10, 15-15 साल से चुनाव ना होते हों तो वहां कौन लोग निकलेंगे, इसी में से लोग निकलेंगे और ये एक अच्छी चीज हुई है। मैं इसके लिए यहां की सारा जो प्रशासनिक अमला है, फौज है, पुलिस है और सबसे ज्यादा वो जो जान की बाजी लगा के वोट डालने गए, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। एम्प्लॉयमेंट का मसला सबसे बड़ा है। हमने 42,000 नए जॉब क्रिएट किए हैं और उनमें ज्यादातर में 6 महीने में सब जगह नियुक्तियां हो जाएंगी, उनके डिटेल आप पूछेंगे। हाँ, उसी में हमने ये भी किया है कि बहुत जगह जो नौकरी देने में धांधली होती थी वो इंटरव्यू में होती थी। मैं भी जब एमपी था मेरे पास लोग आते थे, साहब हमारे लड़के की नौकरी का मामला है, तो हम कह देते थे भाई अब तो इम्तहान तो जो रिटन टेस्ट है वो तो कंप्यूटराइज्ड है, उसमें कुछ होगा नहीं, जब इंटरव्यू हो तो बताना, क्योंकि इंटरव्यू में ये हो जाता था। और बहुत मामलों में मैंने देखा कि दो की जगह 20 नंबर रख दिए जाते थे। तो बहुत सारी नौकरियों में हमने इंटरव्यू को खत्म कर दिया है और उसी के चलते हेल्थ सर्विसेज में लगभग 800-1,000 पोस्ट 42 दिन में भर्ती हो गई हैं और उनका रिजल्ट माने वो उनका इम्तहान हो गया और इंटरव्यू नहीं था इसलिए टाइम पे रिजल्ट आ गया और वो भर्ती हो गए, वो अपने काम पे चले जाएंगे और उसकी बहुत जरूरत थी। पब्लिक ग्रीवेंसेस का जहां तक ताल्लुक है, सबसे ज्यादा असंतोष लोगों में होता है कि सब सुनवाई नहीं होती है। मैंने आते ही सब डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट किया था कि आप हफ्ते में एक दिन सिर्फ ग्रीवेंसेस सुनेंगे। हमारे जो सलाहकार हैं वो हफ्ते में एक बार किसी ना किसी जिले में जाके ग्रीवेंस सुनते हैं। एक ग्रीवेंस सेल है जो बहुत बहुत ही एक तरह से समझिए अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहा है। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरा खुद का टेलीफोन 24 घंटे खुला रहता है और मैं रात के 2 बजे भी फोन को सुनता हूं। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं ये प्रॉमिसेस पे नहीं बन रहे हैं। ये एक और जम्मू एंड कश्मीर में हमने